माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 95 के तहत राज्य निवासित पूर्ण रूप से दिव्यांगजन विकलांगजन के लिए भरण पोषण हेतु योजना के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य में कई विकलांग ऐसे हैं जो 100% विकलांगता की श्रेणी में आ रहे हैं एवं बिस्तर पर लेटे रहते हैं और स्वयं के द्वारा उठना बैठना भी संभव नहीं है, जिनकी संपूर्ण दिनचर्या बिस्तर पर ही निर्धारित है। ऐसे दिव्यांगजन के लिए संपूर्ण सारा उनके परिवार ही है, जो कि उनके खाने पीने एवं अन्य गतिविधियां उनके परिवार द्वारा ही की जाती है। कई परिवार मेरे देखने में ऐसे हैं जिनके परिवार में दो दो विकलांग बच्चे, पति पत्नी दोनों ही परिवार सदस्य विकलांग हैं एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और वर्तमान में मिलने वाली पेंशन इत्यादि राशि भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इन परिवारों से मिलने पर बहुत ही दयनीय स्थिति प्रतीत हो रही है, क्योंकि परिवार का सदस्य पूरे दिन उनकी सेवा में लगा रहता है, जिससे बाहर मजदूरी भी नहीं कर सकता, जिससे आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहती है। वर्तमान में कहीं जगह पर देखने में आया कि ऐसे दिव्यांग परिवार का भरण पोषण हेतु सहायता के लिए गांव के दानदाता द्वारा भी आर्थिक सहायता सहयोग किया जाता है, जो कुछ समय के लिए होता और पर्याप्त भी नहीं है। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि ऐसे दिव्यांग के लिए भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता मासिक वार जारी करने हेतु योजना चलाए जाने की कृपा करावे। इस भरण पोषण राशि में दिव्यांग व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष तक 5,000 रुपये तथा 18 वर्ष की ऊपर होने पर 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से सहायता राशि देने हेतु योजना का संचालन कराने का शर्म करावे, जिससे उक्त दिव्यांगजन उस बोझ के रूप में महसूस न करें और जिंदगी का सफर आसानी से पार कर सके। ऐसे दिव्यांग जन परिवारों के प्रति आज तक कभी भी भरण पोषण हेतु सहायता राशि करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष योजना संचालित कराने की कृपा करावे। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के 131 के अंतर्गत सतीश पुनिया सीसीएम लोड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत माउंट आबू नगरपालिका क्षेत्र में